पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल हुआ है, दो जगह पे डेंस फॉग और दो जगह पे शैलो टू मॉडरेट फॉग ऑब्जर्व हुई है। दो जगह डेंस फॉग जो ऑब्जर्व हुई है गोपालपुर और फुलवानी में, उसके बाद भवानीपटना बारीपदा में शैलो टू मॉडरेट फॉग ऑब्जर्व की गई है। लोस्ट विजिबिलिटी जो है 150 मीटर दर्ज की गोपालपुर फुलवानी में। उसका जो सबसे कम तापमान जो है राउरकेला का 8.37 और टीरी जो कि AMF स्टेशन है 7.3 प्लेन एरिया में, उसके अलावा हिल स्टेशन में कोरापुर में 8.9 और जीव डिग्री जो कि AMF स्टेशन है 8 लोस्ट मिनिमम तापमान दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर 27 मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम की बात करें 16.3 मिनिमम तापमान गया भुवनेश्वर, कटक का 15 रहा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल उड़ीसा में साउथ इंटीरियर उड़ीसा जो तापमान है वो एप्रिशिएट में फॉल हुए हैं, लेकिन बाकी तो ज्यादा में नो लार्ज चेंज ही देखा गया है। फिलहाल अगर बात करें उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो अप्रोच करेगी तो उसकी वजह से कुछ दिन बारिश रहेगी। 7 दिन के फोरकास्ट की बात करें तो day 1 to day 3 जो आपका है जो 16 तारीख तक तो ड्राई वेदर रहने की संभावना है, उसके बाद 17 तारीख को झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ क्योंझर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव की वजह से हो सकता है 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उसकी तरह 18 तारीख को भी जो वेस्टर्न सिस्टम आगे बढ़ेगा तो बारगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अंगुल क्योंझर मयूरभंज बालासोर भद्रक ये सब डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद 19 से लेकर 20 तक आपका 19-20 को जो 6-7 डेज में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। इसके अलावा day 1 में शैलो टू मॉडरेट फॉग जो कोस्ट उड़ीसा में कुछ कुछ स्थान पे और इंटीरियर उड़ीसा में आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना है। इसी प्रकार 15 तारीख को भी यानी कि जो आपका 17 की जो मॉर्निंग में देखिए अगर तो उसमें day 2 day 3 में 16-17 मॉर्निंग में भी शैलो टू मॉडरेट फॉग जो 1-2 स्थान पर उड़ीसा में कहीं कहीं 1-2 स्थान पर होने की संभावना है। और day 1 में जो आज के दिन वार्निंग भी दी गई कल सुबह सुंदरगढ़ क्योंझर मयूरभंज कटक खुर्दा पुरी नयागढ़ गंजम कंधमाल कलांदी कोरापुट इन सब डिस्ट्रिक्ट में डेंस फॉग के लिए येलो वार्निंग दी गई है 1-2 स्थान पर होने की संभावना की वजह से। अब बात तापमान के मिनिमम तापमान के फोरकास्ट तो मिनिमम तापमान में अगले 4-5 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है।